हाँ जी, क्या हाल है? तो दिस रिवीजन वीडियो ऑन क्लब अकाउंट्स बहुत ज़्यादा आता है यार, तो इसको एक दफ़ा देखोगे तो एक अच्छा रिकैप हो जाएगा। तो देखो, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि क्लब अकाउंट्स में कैपिटल कुछ नहीं होता। कैपिटल को ये लोग बोलते हैं अक्यूमुलेटेड फंड्स, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट कुछ नहीं होता। जो ओवरऑल क्लब की प्रॉफिट होती है उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको सरप्लस बोलते हैं, क्योंकि वो विड्रॉइंग, उसमें ड्राइंग्स नहीं हो सकती, उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। इसी तरह लॉस को लॉस नहीं बोलते, इसको डेफिसिट बोलते हैं। और जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बोलते हैं। और इनकम स्टेटमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर करनी थी। उसके बाद जनाब हमने ये देखना है कि क्लब की क्या सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती हैं, क्लब पैसे बना कैसे सकता है, व्हाट आर पॉसिबिलिटीज ऑफ यू नो जनरेटिंग इनकम फॉर द क्लब। तो जो सबसे मेजर पॉसिबिलिटी होती है क्लब में वो होती है आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट सोर्स। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जो हमें मेंबर्स फीस देते हैं ऑन एनुअल बेसिस, एज देयर वरना उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी, इनके पास एक और किस्म की सब्सक्रिप्शन भी होती है जिसको बोलते हैं लाइफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर क्लब के पास हमेशा एक कैफ़े होता है या एक बार होता है या एक रेस्टोरेंट होता है या रिफ्रेशमेंट्स अक्सर वो मेंशन करते हैं, या कोई एक शॉप होगी जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री बेसिकली हो, तो उसको कैफ़े या बार या शॉप की तरह ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, फिर क्लब को इंटरेस्ट मिल सकता है अपने कोई डिपॉजिट अकाउंट पे, और क्लब्स जो हैं वो कोई इवेंट्स करा सकते हैं लाइक डिनर, तंबोला, कॉन्सर्ट, ठीक है। अदर देन दैट आई डोंट सी एनी अदर पॉसिबल इनकम्स, ठीक है, फॉर अ क्लब जी। तो अब इसमें करना ये होता है, देखो सब्सक्रिप्शन जो एनुअल वाली होती है ना, उसके लिए तो हम एक नॉर्मल सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं जिसमें आपका OPPO बैंक, अगर कोई बैड डेट हो जाए जो भी मैं डिस्कस करता हूँ वो इधर आ जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैल्यू हमें ये मिल जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैल्यू है वो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से निकालते हैं, अनलेस उसने हमें कभी कभी वो बोल देगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स इतने और फीस इतनी है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर मिल सकता है। तो फिर कभी कभी हमें जैसे ओइंग ढूंढनी हो या प्रीपेड ढूंढनी हो तो ये मिल जाएगा, तो फिर हम इसमें से कोई भी एक चीज़ ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। मतलब उसने वैसे तो दिया होता है, लेकिन अगर कोई एक इनमें से मिल जैसे ये दिया हुआ हो नंबर ऑफ मेंबर्स के थ्रू, तो देन वी कैन फाइंड द दैट ऑल्सो, ठीक है। दिस ईदर 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 दिस और दिस, इफ दिस इज अवेलेबल। अच्छा जी, तो ये तो होता है सब्सक्रिप्शन का। तो कभी कभी ना जैसे इसमें बैड डेट ढूंढने में मसला होता है, तो यार देखो अगर जैसे कि ये बैंक अकाउंट है ना, और बैंक अकाउंट 2017 का, और अगर उसमें डेबिट साइड पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 16, 17, 18 और यहाँ वैल्यू दी हुई है 300, 7,000 और 400, तो आपको एक और भी चीज़ समझनी है कि देखो जो ये वाली वैल्यू होती है ना, ये बेसिकली पिछले साल की है और ये वाली वैल्यू अगले साल की है। तो ये तो हमेशा आपका हो जाएगा क्लोजिंग प्रीपेड अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ, और ये जो है ना ये ओपनिंग ओइंग से मैच करना चाहिए ये वाला, ठीक है, मतलब इससे मैच करना चाहिए। और अगर नहीं करें मैच, मतलब अगर ओपनिंग ओइंग ज़्यादा हो, जैसे ओपनिंग ओइंग अगर 500 हो और ये अगर 300 हो, तो फिर 200 का बैड डेट होगा। अगर सेम हो तो कोई बैड डेट नहीं होगा, अगर ये कम हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब अगर आपकी ओपनिंग ओइंग 500 दी हुई और उसने बोला 300, फिर वो बोलेगा एनी सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव शुड बी ट्रीटेड एज अ बैड डेट, तो फिर हम उसको बैड डेट कर देंगे। तो जो बैड डेट होगा उसको भी हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर डालेंगे, और वो इट विल ऑलवेज बी द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज ऑफ
जो मैंने आपको अभी बताई, गोइंग ब्रॉड डाउन, और जो 2016 के पैसे मिल रहे हैं 2017 में, उसका जो डिफरेंस है वो हमेशा हमारा बैड डेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो लाइव सब्सक्रिप्शन होती है उसकी हम बात करते हैं। लाइव सब्सक्रिप्शन में भी एक अकाउंट बनता है। जैसे देखो, लाइव सब्सक्रिप्शन होती क्या है कि कुछ, या लाइव मेंबरशिप या लाइव सब्सक्रिप्शन, कुछ क्लब्स होते हैं जो अपने मेंबर्स को ये ऑप्शन देते हैं कि भाई आप सारे ज़िंदगी की अपनी सब्सक्रिप्शन ना अभी पे कर दो एक साथ, एक एक्स अमाउंट, और फिर हम आपसे कभी सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। तो क्लब ये इसलिए करता है ताकि उनको ज़्यादा पैसे मिल जाएँ एकदम से, और मेंबर्स इसलिए कर लेते हैं कि यार एक दफ़ा देंगे जान छूट जाएगी। तो बेसिकली देखो, अगर नॉर्मली क्लब की मेंबरशिप फ़ीस है ना $100, तो क्लब क्या करेगा, वो बोलेगा यार मैं लाइफ मेंबरशिप निकाल देता हूँ $1500 पे, एक दफ़ा $1500 दो और फिर कभी नहीं मांगेंगे हम आपसे। और क्लब को क्योंकि पता तो नहीं है अब जो बंदा मेंबरशिप लेगा उसकी लाइफ कितनी है, तो क्लब एक पॉलिसी बना लेगा कि यार जैसे अगर हमने 1500 लिया ना, तो हम इसको 15 ईयर्स पे राइट ऑफ कर देते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि यार $1500 मेंबरशिप है और 4 मेंबर्स ने ज्वाइन करी मेंबरशिप, तो हम बेसिकली अपने लाइफ अकाउंट में ना यहाँ पे लिख देंगे बैंक 6000। क्यों 6000 जी? क्योंकि हमारे पास जो पैसे आए हैं वो 6000 आए हैं। ठीक है, क्योंकि 1500 दिए हैं 4 लोगों ने। अब अगर क्लब की पॉलिसी ये है कि हमने उसको 15 साल पे डिवाइड करना है, तो क्लब क्या करेगा, 6000 को 15 से डिवाइड कर देगा, आएगा आंसर 400। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो 400 डाल देंगे और बाकी बैलेंस कैरेट डाउन 5600 हो जाएगा। ये बैलेंस शीट में चला जाएगा एज अ नॉन करेंट लायबिलिटी, और ये इनकम स्टेटमेंट में एज इनकम चला जाएगा। अगर वो बोले भाई पहले से भी एक मेंबरशिप है, जैसे अगर ये 5600 है पहले से है ये, ओके, और फिर वो बोले यार 5 मेंबर्स ने और ज्वाइन किया, तो हम यहाँ पे दोबारा लिख देंगे 7500। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें पता हो कि कितना पहले से, अगर ये 1 साल पुराना है, तो हम इसको 14 से डिवाइड करेंगे, इसको 15 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको 14 से, इसको 15 से। और अगर हमें नहीं पता हो कि ये कितना पुराना है और कुछ भी नहीं दिया हो, तो हम मजबूरी तौर पे दोनों को ऐड करके 15 से डिवाइड कर लेंगे, वो जो ओके होगा गलत, लेकिन वो एक आध क्वेश्चन में करना पड़ता है। वरना अगर आपको पता हो कि यार ये एक्चुअली 4 मेंबर थे और इन्होंने हमें 1500 दिए थे, तो हम फिर भी निकाल सकते हैं यार इसकी ओरिजिनल वैल्यू 6000 थी, ओरिजिनल वैल्यू निकल सकती हो, तो उसको 15 से डिवाइड कर दो और इसको तो 15 से डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली इसका 400 और इसका 500, तो टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 900 चला जाएगा, बाकी कैरे डाउन में चला जाएगा। ठीक है, फिर एक चाहिए कैफ़े। कैफ़े के लिए हम एक कैफ़े का अपना अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल एक इनकम स्टेटमेंट की तरह, जिसमें कैफ़े की सेल्स आ जाती हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई होती है हमेशा, परचेजेस मैं आपको अभी बताता हूँ वो ढूंढनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि वो आपको कैफ़े की पेमेंट्स देगा बैंक अकाउंट में, तो आप एक ना परचेज लेजर बना के, क्योंकि उसकी ओइंग्स दी हुई होंगी, नहीं दी हुई हो तो फिर जो पेमेंट है वही परचेज है, वरना ओइंग्स दी हुई होंगी उनको एडजस्ट करके यहाँ पे परचेजेस लगा दी। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है कैफ़े का तो वो भी इधर डाल दिया, अगर नहीं है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर कोई और कैफ़े से रिलेटेड कोई और एक्सपेंस है तो उसको इधर माइनस कर दिया, नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट ही नेट प्रॉफिट हो गया। जैसे क्वेश्चन में अगर बोले रेंट, उसमें से इतना चार्ज करो कैफ़े में, तो आप चार्ज करो, नहीं बोले तो कुछ भी चार्ज नहीं करो, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इवेंचुअली क्या होता है, हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम सारी इनकम लिख देते हैं, मतलब जो सब्सक्रिप्शन की आई यानी वैल्यू है, जो आपकी लाइफ की जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैल्यू है, जो आपको कैफ़े से प्रॉफिट हो रहा है, जो आपका कोई इवेंट्स है, कोई जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे इवेंट्स की रिसीप्ट और पेमेंट्स माइनस कर दो, अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सब इधर लिख के यहाँ आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास एक्सपेंडिचर हैं, उसमें सारे क्लब के एक्सपेंसेस, जो कैफ़े के एक्सपेंसेस हैं वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम कैफ़े में ऑलरेडी काट चुके होंगे, जो भी रेंट डिप्रिसिएशन मत भूलना, वो हमेशा हिडन होती है, वो करके कराते, अगर ये पॉजिटिव आंसर आए तो ये सरप्लस होगा, अगर यही आंसर आपका नेगेटिव हो तो वो डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट हमें डिपॉजिट अकाउंट में मिल रहा हो तो उसमें बस वो टाइम के हिसाब से होता है, कभी देख लेना कि अगर डिपॉजिट अकाउंट में आपने जो पैसे डालें 6 महीने पहले डालें, तो यार जाहिर सी बात है 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये तो आप लोग A2 में हैं तो इतना तो समझ सकते हैं। अच्छा, फिर जो क्लब की बैलेंस शीट होती है भाई, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, वैसे ही आप नॉन करंट एसेट्स लिखते हो, करंट एसेट लिखते हो, बट करंट एसेट में याद रखना जो सब्सक्रिप्शन की ओइंग होती है वो ज़रूर लिख देना, क्योंकि वो डेटर्स नहीं होंगे आपको इस चैप्टर में, लेकिन सब्सक्रिप्शन ओइंग होगी, तो फिर ये टोटल एसेट्स आ जाएंगे। फिर आप कैपिटल की जगह उसको अक्यूमुलेटेड फंड बोलेंगे, वो पहले आप निकालेंगे एट स्टार्ट,
थ्रू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज, जैसे सिंगल एंट्री में निकालते हैं, ठीक है, फिर उसमें आप सरप्लस ऐड कर देंगे। अच्छा, एक सोर्स ऑफ इनकम में बिल्कुल भूल गया, वो है डोनेशन। तो अगर क्वेश्चन में डोनेशन दी हुई हो और वो बोले भाई डोनेशन जो है वो कैपिटल रिसीप्ट है, तो डोनेशन इधर आ जाएगी, और अगर वो बोले डोनेशन जो है वो रेवेन्यू रिसीप्ट है, तो डोनेशन पीछे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, मतलब वो सरप्लस में शामिल हो जाएगी। दोनों केसेस में डोनेशन या तो कैपिटल होगी या रेवेन्यू होगी। कैपिटल हो तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में, सरप्लस में नहीं डालेंगे, अगर रेवेन्यू हो तो सरप्लस में डाल के फिर वो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में खुद ही चली जाएगी थ्रू द सरप्लस, इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो ये तो आपका वो हो गया बैलेंस शीट का कैपिटल वाला सेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक लाइबिलिटीज़ का सेक्शन होगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास लोन आ सकता है, यू कैन हैव लाइफ मेंबरशिप का जो बचा कुचा, जैसे 6000 मिले थे 400 डाल दिए, 5600 जो है वो इधर चला जाएगा। करेंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास प्री पेमेंट्स, आपका अक्रूवल्स, यू नो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, यू कैन हैव सब्सक्रिप्शन प्रीपेड होगी वो ज़रूर लिखना, ठीक है। तो वंस यू हैव ऑल ऑफ दिस, ये आपका टोटल, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल मैच करेगा, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो इन क्लब अकाउंट गाइस, ठीक है।